यूपी भाजपा का अध्यक्ष अब बदलने जा रहा है। बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल जनवरी तक पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। जी हाँ, यूपी में भाजपा का अध्यक्ष बदलने की तैयारी हो गई है। दिल्ली में हुई कार्यशाला के दौरान हाल में जनवरी 2025 तक सभी स्तरों पर संगठन चुनाव कराने का लक्ष्य दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों को जिला, मंडल, क्षेत्र व प्रदेश स्तरीय संगठन के चुनाव की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा है। ऐसे में यूपी को जनवरी तक भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। यूपी में 2027 के चुनाव को देखते हुए भाजपा दलित व पिछड़े समाज के किसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ऐसे ब्राह्मण चेहरे पर भी विचार कर रहा है जिससे पार्टी को फायदा मिले। फिर भी सबसे ज्यादा फोकस दलित व पिछड़े चेहरे पर ही है। उधर प्रदेश संगठन में दायित्व संभाल चुके कई वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों के अलावा कई मंत्री व पूर्व जनप्रतिनिधि भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दावा कर रहे हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची आज यानी कि मंगलवार को जारी हो सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद इसका संकेत दिया। उन्होंने दिल्ली में कहा कि प्रदेश कोर कमेटी में प्रत्याशियों के नाम का पैनल शीर्ष नेतृत्व को भेजा था। केंद्रीय चुनाव समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। चौधरी ने बताया कि प्रदेश भाजपा ने एक सप्ताह पहले हर सीट के लिए 3 नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। समिति ने पैनल में से ही प्रत्याशियों का चयन किया है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि सभी प्रत्याशियों की सूची बुधवार तक जारी की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संगठन चुनाव को लेकर हुई कार्यशाला में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे। बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है, लिहाजा पार्टी जल्द सूची जारी करना चाहेगी।